साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मैं अगर नेशनल जनमत के दर्शकों से कहूं कि मुझे मार करके दिखाओ, अगर आप मेरे गाल पे तमाचा मारेंगे तो मेरा जवाब होगा मुझे कहां मारा, मेरे गाल को तमाचा मारा है। अगर यहां तमाचा मारेंगे तो मैं कहूंगा कि मुझे कहां मारा है, मेरे मस्तक को या सिर को तमाचा मारा है। अगर यहां तमाचा मारेंगे तो मैं कहूंगा मुझे कहां मारा है, मेरे हाथ को तमाचा मारा है। आप कहेंगे ये क्या भद्दा मजाक है, तो मेरा जवाब ये है, ये भद्दा मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो सरकार कर रही है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुन करके केंद्र में पहुंची है, यानी कि मोदी सरकार द्वारा हर रोज देश के करोड़ों लोगों के साथ ये भद्दा मजाक किया जा रहा है। कैसे, पहले ये सुनिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। न भूतो न भविष्यति, यानी कि देश के ऐसे ऐतिहासिक और यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश को इससे पहले न कभी मिले थे और न कभी आगे मिलेंगे, वो यशस्वी प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं अपने इस बयान में, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश का मतलब क्या है? देश की बड़ी बड़ी ऐसी ऐतिहासिक कंपनियां जिन पर देश को कभी नाज रहा है, जिनके भरोसे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, जिनके भरोसे देश में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। RTI के हवाले से मोदी सरकार खुद बखान कर रही है कि 26 कंपनियों को बेचने के लिए उसने तैयारी कर ली है। उसमें वो भी कंपनी शामिल है जिसका स्लोगन सुनते सुनते आप बड़े हुए हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है कि उसी LIC को, जिसको आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी मानते थे, इसलिए क्योंकि भारत के इंश्योरेंस बाजार में तकरीबन 70% हिस्सेदारी अकेले LIC की है, इसलिए क्योंकि सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए आपके घर के बूढ़े बुजुर्गों को इस सबसे ज़्यादा भरोसा इसी कंपनी पर था। लेकिन मोदी सरकार ने ये हालत कर दी है कि जो कंपनी दावा करती थी जिंदगी के बाद भी साथ रहने का, जिंदगी के साथ ही वो रह पाएगी कि नहीं, उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। खबर ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने LIC में हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसे सेवी एरडा नीति आयोग के पास भेज दिया गया है। सरकार का तर्क ये है कि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हमें इस तरह की कंपनियां जो हमारे लिए ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली थी उनको भी बेचना पड़ रहा है। तो फिर उस फंड का क्या हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना व्यक्तिगत PM केयर्स फंड बना करके रखा है? क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके सिपहसालार ये तो बताना नहीं चाहते कि उसमें कितने करोड़ों अरबों रुपए आए हैं, कहाँ उसका इस्तेमाल हुआ है, न ये आप RTI से पता कर सकते हैं, न संसद के पटल पर ये रिपोर्ट रखी जाएगी, ना ही देश की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी यानी कि CAG के पास उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो व्यक्तिगत PM केयर्स फंड है, उसका सारा पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल खबर ये है कि LIC के IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत उसके IPO बेचे जाएंगे। IPO का मतलब जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे IPO या सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। खबर ये है कि पहली बार में 25% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसके लिए 1956 के LIC एक्ट में बदलाव किया जाएगा, इसलिए क्योंकि LIC कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बल्कि 1956 में बनाए गए LIC एक्ट के तहत चलती है, उसमें बदलाव लाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, मतलब कि एक और कंपनी जिस पर आपको नाज हुआ करता था वो बिकने की तैयारी में है। इसके अलावा RTI से सूचना ये मिली है कि 27 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 23
PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर ली गई है। अब उससे आगे बढ़ते हुए RTI कहती है कि नहीं, 26 कंपनियों को सरकार ने बेचने का फैसला किया है। 26 कंपनियों के आपको नाम बता देता हूं ताकि आपको इस खबर पे भरोसा रहे। पहली कंपनी प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड PDIL, दूसरी कंपनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड EPIL, पवन हंस लिमिटेड PHL, B&R कंपनी लिमिटेड एयर इंडिया, सुनते जाइएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL, सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सलेम स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, स्टील प्लांट ऑफ NDMC, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, HLL लाइफ केयर, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL यानी कि भारत सरकार का कमाऊपूत, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। ये 26 कंपनियां हैं जिसमें RTI के तहत खुलासा किया है खुद मोदी सरकार ने कि इन 26 कंपनियों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर ली गई है। उससे पहले ONGC, MTNL, BSNL जैसी तमाम सारी सरकारी कंपनियां बिकने की कगार पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी MTNL या BSNL के प्रचार पर नजर नहीं आए होंगे, लेकिन रिलायंस जियो के उद्घाटन के बाद उसके प्रचार के तौर पर समाचार पत्रों के पहले पेज पर विज्ञापन में नजर जरूर आए, मानो वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हों। पेटीएम एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, पेटीएम के विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे, तो स्वाभाविक है इस देश की एक एक चीज बिकनी है, यानी कि इस देश का एक एक अंग काट लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कहेगी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप कहेंगे कि कंपनियां तो बेच रहे हैं, वो कहेंगे कि देश नहीं बिकने दूंगा, कंपनियां बिक जाएं तो बिक जाएं। बहरहाल ये भांड और गुलाम मीडिया न ये आपको बताएगा और ना ये बताएगा कि कोरोना संक्रमण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में सबसे नकारे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। दूसरे नंबर पर भारत पहुंच चुका है पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण की स्थिति में, और कब पहले नंबर पर आ जाएगा ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बहरहाल मीडिया को रिया चक्रवर्ती से मतलब है, वोटरों को राम मंदिर से मतलब है, अंधभक्तों को सरकार की जय जयकार से मतलब है। देश में सरकारी कंपनियों की सेल लगी हुई है, लूट सको तो लूट लो, और उस लूटने का लाभ सबसे ज़्यादा किनके हिस्से में जाएगा, उन्हीं मित्र अंबानी और अडानी के हिस्से में, यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस समय देश में बड़े बड़े उद्योगपति अपने पैसे को लेकर के रो रहे हैं, कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, उसी समय रिलायंस फ्यूचर ग्रुप यानी कि बिग बाजार जैसे बड़े मार्केट को खरीद लेती है। इस पूरे खेल में मोदी सरकार खुश है, भांड मीडिया खुश है, मोदी जी के मित्र खुश हैं, अंधभक्त खुश हैं, इसलिए क्योंकि ये सारा किया धरा मोदी जी से पहले के प्रधानमंत्रियों का है। ना वो इतनी कंपनियां बनाते और ना आज उनको बेचने की नौबत आती। बहरहाल अपनी आँख कान खुले रखिए और अपनी खुली आँखों से देश की एक एक संसाधन को, एक एक संपदा को बिकते हुए देखिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप